सरहद पार से आया एक पिता इंसाफ चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान से आए महबूब हसन अपनी बेटी इरम के लिए इंसाफ चाहते हैं। उस बेटी के लिए जिसका निकाह उन्होंने बड़ी ही शानो शौकत और अरमानों से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अथर से किया था। सोचा था कि इंजीनियर से निकाह किया है, बेटी बहुत खुश रहेगी। लेकिन निकाह के कुछ महीने बाद ही जो सच्चाई उन्हें पता चली, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिस शख्स के हाथ में महबूब हसन ने अपनी बेटी का हाथ सौंपा था, वो एक नंबर का अय्याश और दहेज लोभी निकला। भोली भाली लड़कियों को फंसाना उसका पेशा था। निकाह के महज 4 महीने बाद ही अथर अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान के बरेली शहर में आकर बस गया था। इरम के घर वालों ने बेटी की खातिर बरेली में एक कोठी भी खरीद कर दी, लेकिन दहेज लोभी अथर को तो पैसा चाहिए था। और फिर शुरू हुआ इरम को दहेज के लिए प्रताड़ित करना। इरम का कहना है कि अथर उसे रोज मारता पीटता, खाना भी नहीं देता था। प्रॉब्लम मेरी सास और हस्बैंड से ही है, वो नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। वो बहुत चीप किस्म की लेडी है, कई बार उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की है, मुझे मारा, घर से निकाला है। इरम पहले तो सब सहती रही, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई, तो उसने खुद पर हुए अत्याचार की दास्तान अपने पिता को सुनाई। बेटी की आपबीती सुन पिता से रहा नहीं गया और इंसाफ की गुहार लिए सरहद पार कर वो बरेली आए हैं और बारादरी थाने में इरम के पति अथर और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। थाना बारादरी पर दहेज अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला ये जो है वो पाकिस्तान की हैं, उनका विवाह हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था और यहाँ पर वो रह रही थी। 2008 में विवाह हुआ था, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर वो यहाँ पे निवास कर रही थी। अब चूँकि मामला विवेचनाधीन है और दहेज अधिनियम से मुतालिक है, तो ये मध्यस्थता केंद्र में जाएगा। करीब 2 महीने तक इसमें प्रयास किया जाएगा कि सुलह समझौता हो जाए और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई, वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, अब देखना ये होगा कि सरहद पार से आए इस पिता को बेटी के लिए इंसाफ कब मिलता है। बरेली से साधना न्यूज के लिए सुनील सक्सेना की रिपोर्ट।